रुबीना दलैक अभी खूब सारे प्रोजेक्ट से घिरी हुई हैं, चाहे फिर वो बात करें उनकी शक्ति में रिटर्न को लेकर या फिर उनके म्यूजिक वीडियोस को लेकर। लेकिन इसके अलावा जब रुबीना दलैक से पूछा गया दैट व्हाट इज वन थिंग दैट शी इज रियली विलिंग टू डू, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो वो खुद पिकअप करके उसको करना चाहेंगी, तो रुबीना दलैक का जवाब सुनकर आप एक बार फिर से रुबीना दलैक के कायल हो जाएंगे। चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल रुबीना दलैक ने बोला है दैट शी वांट्स टू डू अ बायोपिक, चाहे फिर वो टेलीविजन के माध्यम से हो या फिर फिल्म के माध्यम से, वो किसी ऐसे सेलिब्रेटेड इंसान की, किसी ऐसे इंस्पायरिंग इंसान की कहानी को पर्दे पर दर्शाना चाहेंगी जिससे वो खुद भी ग्रो कर पाए एज एन एक्टर, अपनी कला का सही इस्तेमाल कर पाए और लोगों को इंस्पायर भी कर पाए किसी ऐसे इंसान की जर्नी से जिसने हर तरह के पड़ाव देखे हों। जी हाँ, बायोपिक्स यूजुअली बहुत ही एक इंस्पायरिंग मैसेज देकर जाती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की बायोपिक्स बनती हैं जिन्होंने काफी कुछ देखा हुआ है लाइफ में, काफी कुछ झेला हुआ है जिंदगी की कसौटियों में। ऐसे में उनकी जिंदगी को पर्दे पर दर्शा पाना इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ आर्ट दैट एग्जिस्ट इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और रुबीना दिलैक इसी तरह का कोई किरदार निभाना चाहेंगी, इसी तरह के किसी इंस्पायरिंग व्यक्ति को पर्दे पर दर्शाना चाहेंगी और अपनी कला का सही इस्तेमाल करना चाहेंगी, अपनी एक्टिंग स्किल्स का सही इस्तेमाल करना चाहेंगी। इसके लिए वो कोई भी मीडियम चूज करने के लिए तैयार है, चाहे फिर वो टेलीविजन हो या फिर हो फिल्मों का जरिया। आजकल तो वेब सीरीज भी काफी ज्यादा एक्टिव है, ऐसे में रुबीना दलैक वेब सीरीज के थ्रू भी अपने इस सपने को पूरा कर सकती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही रुबीना दलैक ऐसे किसी किरदार में नजर आएं। आप क्या कहना चाहेंगे रुबीना दलैक की इस इच्छा के बारे में? जल्दी से आइए, कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे साथ जुड़े भी रहिए, क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचाएंगे।